अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची। आई नो काफ़ी दिनों बाद हम ये इस स्टेडियम की अपडेट शेयर कर रहे हैं, वो भी मैं आपकी रिक्वेस्ट पे शेयर कर रहा हूँ। और देर से शेयर करने का रीज़न आपको पता है, जो अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में मैं आपको बताता भी हूँ कि इसलिए मैं इसकी अपडेट नहीं शेयर कर पाता, क्योंकि यहाँ काम बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू बाकी के स्टेडियम्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि अरबाब निया स्टेडियम और हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम, साथ में मुजफ़्फ़राबाद क्रिकेट स्टेडियम आज़ाद कश्मीर जो कि KPL के लिए तैयार हो रहा है। तो इनकी अपडेट्स मैं आपके साथ जल्द शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ पर काम भी तेज़ चल रहा है, इससे काफ़ी तेज़ हो रहा है, तो इसलिए उसकी अपडेट भी जल्द बैक टू बैक आ जाती हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम से आपको अपडेटेड रखूँ, और इस बार मैं इसलिए ये अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको क्लियर करनी है, और वहाँ पे उस वक्त काम भी हो रहा था तो ये एक बड़ी बात है, इसी हवाले से आपके साथ बात करनी है। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स भी शेयर करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आखिर तक मेरे साथ रहिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। साथ में अगर आपने, जैसे मैंने अरबाब नियाज और हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम का जिक्र किया, तो उसकी अपडेट भी मैंने शेयर कर दी, अगर आपने मिस कर दिए तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की अपडेट शुरू कर लेते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि स्टेडियम में काम हो रहा था, जो कि हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बाकी जितना भी रेडीमेड स्टफ़ है जिसकी इरेक्शन होनी है वो काम तो आसान है, अगर काम तेज़ हो तो इसको बहुत जल्द कंप्लीट किया जा सकता है। क्योंकि मैंने जितना भी स्टफ़ आपको दिखाया था इसके पास जो पड़ा हुआ था, जो कि स्टैंड्स में लगना है जिसके इरेक्शन कहा जाता है, तो वो सब यहाँ पर अवेलेबल भी है। और स्टेडियम में काफ़ी दिनों से काम इस तरह से देखने को नहीं मिल रहा था, मतलब आप कह लें कि ऑलमोस्ट रुका हुआ था, और अब फिर से काम हो रहा है, तो इस पर एक लाइक तो बनता है सामने, आप देख सकते हैं। और अपडेट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो सामने जो शेयर वॉल्स हैं उसमें भी आपको थोड़ी सी अपग्रेडेशन दिख रही होगी, दूसरा ये कि उनको क्लीन किया गया, आप कह लें कि पॉलिश किया गया है। और साथ में जो ये नीचे काम चल रहा है, जितनी भी मशीनरीज यहाँ पे काम कर रही हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या हो रहा है, साथ में 3D मॉडल शेयर करेंगे तो उससे क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा, हाल ही में कुछ लोगों ने यहाँ पे बहरिया टाउन कराची के मेन गेट पर हमला किया था, मतलब वो अंदर भी जा रहे थे और उन्होंने आग भी लगाई थी, वट एवर जो भी मसले थे प्रॉपर्टी के हवाले से या जो भी था, लेकिन उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी थी, दूसरा ये कि वहाँ शॉप्स को भी आग लगा दी गई थी, जो कि सरासर गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। आपको सारी वीडियोस मिल भी जाएंगी नेट पे अगर आप देखें, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं कमेंट डाउन बिलो। खैर, आफ्टर ऑल दैट पेंडेमिक एंड दिस सिचुएशन, अब फिर से काम कंटिन्यू हुआ है, तो सामने जो ये काम हो रहा था इसका मैं आपको बता देता हूँ। 3D मॉडल में अगर आप देखें, जितने भी आपको स्टेडियम के बाहर 360 जितने भी आपको यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन दिख रही है, ये पोर्शंस जो हैं इसके बीच में जो ये ग्रास वाला एरिया है उसको लेवल किया जा रहा है, फिर इसको इस तरह 3D मॉडल के मुताबिक बनाया जाएगा। दो जगह तो ऐसी हैं कि जहाँ से आप एंट्रेंस लेते हैं स्टेडियम की तरफ, यानी बेसमेंट का जो एरिया है उस साइड से आप एंटर होते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए मट्टी लाई जा रही थी और बीच वाले हिस्से को लेवल किया जा रहा था, यहाँ पे फिर इसमें ग्रास की इंस्टॉलेशन भी होगी, और बाहर साइड पे जो आपको जितना भी ब्यूटिफिकेशन का काम आपको दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब ये अपडेट्स जब भी मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को मैं ज़्यादा टच नहीं करता, लेकिन फिर भी अपडेट्स आ जाती हैं, तो उसके कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन अक्सर होता है और हमेशा आप पूछते भी हैं कि अब ये कितने अरसे में कंप्लीट होगा। तो भाई, जो ऑफिशियल बहरिया टाउन कराची वालों की तरफ से कंप्लीशन डेट बताई गई है, तो वो 2022 में इसकी कंप्लीशन बताई है। अब बीच में काम रुकता है या इस तरह के सिनेरियो आ जाते हैं तो उससे उस लिहाज से मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो ऑफिशियल इन्होंने बताया है वो 2022 का बताया हुआ है। अब लेट्स सी कि इसके काम को अगर हम देखें, अगर तेज़ी ये लोग लाएं तो इसकी सिर्फ इरेक्शन का काम है, जो रेडीमेड स्टफ़ है उसको लगाना, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया, और यहाँ पे मैं पिक्चर्स भी शेयर कर देता हूँ कि जो साथ में इसके इरेक्शन के लिए सामान पड़ा हुआ है, जितना भी स्टफ़ है वो साथ में स्टेडियम के पास ही है, बस इसको उठा के यहाँ लगाना है। लेकिन काम स्लो है और उसका आपको मैंने बताया भी है कि पर्सनल रीजंस भी होते हैं, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी सेल होती है तो उसके हिसाब से किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में काम भी फिर उसी तरह से तेज़ होता है, तो उस हिसाब से इस जगह की वैल्यू भी फिर बढ़ती है। अब आप इसकी एग्जांपल ले लें, ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये प्रीसेंट 33-34 में बना हुआ है बहरिया टाउन कराची के, तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं या विला बाई करते हैं तो उसकी वैल्यू फिर आगे बढ़ेगी फ्यूचर में, ये तो कन्फर्म बात है, लेकिन यह है कि इसमें टाइम अब लगेगा। बाकी दूसरे स्टेडियम्स को आप देखते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं रफ़ी स्टेडियम से जितने भी अंडर गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप लोग भी मायूस होते हैं, लेकिन ये है कि अब
काम हो रहा है और टाइम के साथ साथ इसको तेज़ भी किया जा सकता है। मेरी इंजीनियर से बात भी हुई थी और बीच में कुछ वजूहात के बिना स्लो भी पड़ जाता है, लेकिन डिपेंड करता है, अब ये लोग तेज़ करें तो जल्द कंप्लीट कर सकते हैं, वो तो टाइम टाइम की बात है। खैर मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। बाकी अंदर से मैंने आपको कई बार स्टेडियम दिखाया हुआ है, इवन मैंने आपके साथ जो स्टैंड्स के ऊपर से भी जो ऊपर पोर्शन है वहाँ से आपको स्टेडियम दिखाया हुआ है। और ये है कि ड्रोन फोटेज भी मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से सिचुएशन है। कुछ ख़ास चेंज तो नहीं, लेकिन यह है कि अब काम हो रहा है। अब इंशाल्लाह आने वाली अपडेट्स में लेट्स सी कि हमें क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं। काम आहिस्ता आहिस्ता होगा, मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। जो नए ज्वाइन कर रहे हैं और इनसाइड व्यू देखना चाहते हैं तो वो ड्रोन वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अब मैं इतना कर सकता हूँ, ऑल आई कैन डू इज़ कि आपके साथ अपडेट शेयर कर दूँ, आपको अपडेटेड रखूँ, इतना मेरे से हो जाता है। और ड्रोन वीडियो भी आप देख लें, चैनल में आपको मिल जाएगी, उसमें इनसाइड व्यू और ऊपर पूरा होल व्यू भी आपको दिख जाएगा। बाकी अंदर साइड पर जो जो काम होता जाएगा वो भी मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा, जो चेंजेस आएंगी इनसाइड व्यू भी हम शेयर करते हैं। जो शियर वॉल्स को पॉलिश किया गया है वो 3D मॉडल के मुताबिक कुछ इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पे येलोविश कलर आ रहा है और जब ये इसकी कंप्लीशन होगी, साथ में नीचे बेसमेंट में जितना भी रेस्टोरेंट और तमाम तरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जो कि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो फिर आपको इन 360 जो शियर वॉल्स गई हुई हैं इसकी समझ आएगी। ये स्टैंड्स को किस तरह से सपोर्ट देंगे और बाहर जो स्टेडियम का एक्सटीरियर होगा उसमें फिर ये किस तरह से दिखेंगी, वो फिर आने वाले टाइम में जब जब काम होगा तो क्लियर करता जाऊँगा। अच्छा, इस बार की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास वो विद वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब एक काम हमने ये करना है कि अब ये काम शुरू हुआ है तो इसको कंटिन्यू करें, बल्कि इसको दिन ब दिन तेज़ करें, हम इसको शेयर करें, मलिक रियाज के साथ जाके टैग करें फेसबुक पे, बहरिया टाउन ऑफिशियल वालों के साथ वहाँ फेसबुक पे, ट्विटर पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनको शेयर करें। अगर शेयर नहीं कर सकते एटलीस्ट उनको इनबॉक्स या हैशटैग कर दें, जाके खुद इनको कमेंट सेक्शन में बोलें ताकि इस पर फोकस किया जा सके। और अगर इतना भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक या अपना कमेंट शेयर कर दें ताकि ये ऊपर रैंकिंग में जाए और लोगों की नज़र में आए। क्योंकि देखिए जहाँ तक मेरा है तो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट शेयर कर देता हूँ, उस पर बात कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, तो बस आप इतना कर दिया करें। लेट्स सी कि उनके एटलीस्ट इस पर नज़र तो पड़े और कुछ स्टेप लिया जा सके, जैसे कि इसकी एग्जीबिशन हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी की गई थी इसके लिए, इसके काम के लिए, वो आपको याद होगा कि किस तरह से नेशनल क्रिकेटर्स को भी इन्वाइट किया गया था और बहुत बड़ी सेरेमनी हुई थी, उसमें 50,000 की कैपेसिटी को हाईलाइट किया गया था। अब ये ना हो आने वाले टाइम के साथ साथ इसमें कोई चेंजेस वगैरह हों, उससे पहले इसको हाईलाइट करें और शेयर करते जाएं। बाकी इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से इस तरह से हाईलाइट करता रहूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही, जो भी था मेरे पास शेयर करने को आपको बता दिया, तो मिलते हैं किसी और वीडियो या अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। दिशियो बोहा, अहमद ऑफिशियल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।